हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू getlectures.com। आज हम देखेंगे, इस लेक्चर में हम देखेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ऊपर एग्जांपल करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है और फैक्टर परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या होती हैं, फेलियर स्ट्रेस क्या होती है, उसको हमने एनालाइज किया था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि हाउ वी फाइंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डिफरेंट कंडीशंस। अगर कंडीशंस कुछ अलग अलग होंगे, लोडिंग कंडीशंस अगर डिफरेंट होंगी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर क्या इफेक्ट होगा। अगर लोडिंग कंडीशन आप सपोज कर लो प्योर एक्सियल लोडिंग कंडीशन है या ट्विस्टिंग कंडीशन है या बेंडिंग है, तो उन कंडीशंस को एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे फॉर सेम मटेरियल्स अगर डायमेंशन में चेंजेस करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद लोडिंग कंडीशंस में चेंजेज के साथ साथ अगर मैं डायमेंशंस में भी चेंजेज करता हूँ तो लोडिंग कंडीशंस के ऊपर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफर करती है। लेट अस सी अ एग्जांपल ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन है, इफ ऑल द डायमेंशंस ऑफ प्रिज्मेटिक बार एंड एक्सियल लोड एक्टिंग ऑन द बार बिकम्स डबल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब क्वेश्चन में किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रिज्मेटिक बार की। प्रिज्मेटिक बार आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि प्रिज्मेटिक बार क्या होता है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर विल बी कांस्टेंट। प्रिज्मेटिक बार में मतलब कि कोई भी एक प्रिज्मेटिक बार लेते हैं और उस पर क्या लगा है, एक्सियल लोड लगा है, और बोल रहा है कि प्रिज्मेटिक बार पर जो एक्सियल लोड लगा है, दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है कि उसके डायमेंशंस को और एक्सियल लोड को अगर हम डबल कर देते हैं तो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर क्या इफेक्ट होगा। अगर मैं सपोज करूँ, दो डायग्राम सोल्यूशन पे आते हैं, ये अपना ओरिजिनल डायग्राम है, दिस इज ओरिजिनल वन, ओरिजिनल डायग्राम, एंड दिस इज सेकेंड, इट मीन्स हमने सेकेंड डायग्राम लिया, इसे हम फर्स्ट मानते हैं, फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ओके, फर्स्ट हमारा क्या है, ओरिजिनल है। ओरिजिनल का क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन ए n बाई टू, ऑप्शन किस में गिवेन है, n के टर्म्स में गिवेन है, यानी कि ओरिजिनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, एफ ओ एस ऑफ वन इज इक्वल टू n, देन इसका एफ ओ एस कितना होगा, एफ ओ एस ऑफ टू इज इक्वल टू n2, मान लेते हैं this is n and that is n2, n2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखते हैं मटेरियल क्या है, अपना दोनों कंपोनेंट का मटेरियल क्या है, सेम है, सेम मटेरियल में ही हमने क्या किया, तो सेम मटेरियल होने के कारण फेलियर स्ट्रेसेस क्या होंगे, सेम होंगे दोनों के, बिकॉज फेलियर स्ट्रेसेस हम मटेरियल के ऊपर ही तो डिपेंड करता है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, बट दोनों कंपोनेंट का मटेरियल क्या है, सेम है, दैट्स व्हाई फेलियर स्ट्रेसेस आर सेम। तो अगर आप देखो सिग्मा इंड्यूस्ड इज लेस देन इक्वल टू फेलियर स्ट्रेस अपन एन, दिस इज बाय स्ट्रेंथ क्राइटेरियन, जो इंड्यूस हो रही है स्ट्रेस वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू फेलियर स्ट्रेस अपन एन। ये तो हमने देखा था लास्ट कंडीशन में। सबसे पहले दो तीन चीजें और मैं एनालाइज करना चाहता हूं, ओरिजिनल जो मेंबर वन है इसमें सिग्मा इंड्यूस्ड कितना हो रहा है, सिग्मा इंड्यूस्ड वन इज इक्वल टू व्हाट, लोड कितना है, लोड इज दिस इज एक्सियल कंडीशन पी, एंड एरिया इज क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने मान लिया ए। देन अगर मैं दूसरे कंपोनेंट की बात करूं जिसमें हमने डायमेंशन को इंक्रीज किया है, तो सिग्मा इंड्यूस्ड इन सेकेंड कंपोनेंट इज इक्वल टू हाउ मच, टू पी। अपन अगर मैं डायमेंशंस को डबल कर रहा हूं, अगर ये सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो, तो एरिया क्या होगा, फोर टाइम्स इंक्रीज होगा, यहां पर ए है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, फोर टाइम्स ए। ओके, सिग्मा इंड्यूस्ड इन मेंबर वन इज पी बाई ए, एंड सिग्मा इंड्यूस्ड इन मेंबर टू इज टू पी बाई फोर है, इट मीन्स वन बाई टू इंटू पी बाई ए कह सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आप देखो यहां पर, तो यहां अगर सिंपल मैं बात करूं कि सिग्मा इंड्यूस्ड इज लेस देन इक्वल टू फेलियर स्ट्रेस अपन एन, अगर मैं बात करता हूं फॉर अ गिवन मटेरियल एंड टाइप ऑफ लोड इज सेम, अगर मटेरियल दोनों का सेम है,
और लोडिंग कंडीशन भी दोनों में सेम है, केवल क्या हम कर रहे हैं, डायमेंशंस को डबल कर रहे हैं और लोड को डबल कर रहे हैं, कंडीशंस आर सेम। देन अगर आप देखो तो सिग्मा इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्लियर सी बात है, सिग्मा इंड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये कहाँ से आया, स्ट्रेंथ क्राइटेरियन से, जो हमने देखा सिग्मा इंड्यूस्ड इज लेस देन इक्वल टू फेलियर स्ट्रेस अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो गिवन मटेरियल होने के कारण फेलियर स्ट्रेसेस क्या है, सेम है। गिवन मटेरियल के कारण ही नहीं, आप यहां पर देख रहे हो लोडिंग कंडीशन भी दोनों का सेम है, तो फेलियर स्ट्रेस क्या होगी, सेम होगी। तो सिग्मा इंड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, सिग्मा इंड्यूस्ड इन वन अपन सिग्मा इंड्यूस्ड इन टू इज इक्वल टू एन टू अपन एन। हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन सिग्मा इंड्यूस्ड इन वन इज हाउ मच, पी अपन ए, एंड सिग्मा इंड्यूस्ड इन टू इज इक्वल टू 1/2 पी अपन ए इज इक्वल टू एन टू अपन एन। देन पी अपन ए विल कैंसिल आउट, पी अपन ए एंड पी अपन ए इज कैंसिल आउट। ओके, देन फ्रॉम हियर वी कैन सी एन टू अपन एन, एन टू अपन एन इज इक्वल टू टू, देन एन टू इज इक्वल टू टू एन इफ द लोडिंग कंडीशन इज एक्सियल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इट मीन्स द ऑप्शन इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर मैं इस क्वेश्चन में कुछ और ट्विस्टिंग करूं, कुछ और एक डिफरेंट कंडीशन की एनालिसिस अगर मैं करना चाहूं इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में अगर मैं सेम करूं कि लोडिंग कंडीशन जो एक्सियल है, अगर मैं उसे प्योर ट्विस्टिंग के कंडीशन की अगर इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करके, एक्सियल की जगह चेंज करके अगर इसे मैं ट्विस्टिंग कंडीशन की बात कर दूं, अगर मैं बात जो कर रहा हूं, अगर ट्विस्टिंग कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं जो मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान रखना मैं क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस लेके आ रहा हूं। अब ये एक्सियल लोडिंग कंडीशन की जगह क्या मैं लेके चल रहा हूं, ट्विस्टिंग कंडीशन। ट्विस्टिंग कंडीशन में अगर ओरिजिनल कंडीशन में टी है तो हमने ट्विस्टिंग को क्या किया, सीधे डबल कर दिया, डबल कर दिया कंडीशन। अब हमने क्या ले लिया, एक्सियल लोडिंग को अब हम नहीं एनालाइज कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं नेक्स्ट, मतलब कि इस क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन में मैं चेंजेस कर दूं तो आपके ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। आप देखो कैसे, अगर मैंने बोला कि एक्सियल लोड की जगह क्या है, ट्विस्टिंग कंडीशन है, और उसको हमने क्या किया, लोडिंग कंडीशन को भी डबल कर दिया, डायमेंशन के साथ साथ उसको भी हम डबल करके चल रहे हैं। तो अगर अब मैं एनालाइज करूं तो देखो, ट्विस्टिंग के कारण कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, ट्विस्टिंग के कारण सियर स्ट्रेस जनरेट हो रही होगी। ट्विस्टिंग क्यों होता है, ड्यू टू सियर फोर्स। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लोड के बारे में देखेंगे और वहां पर जाने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और थोड़ा बहुत आप लोगों ने भी स्टडी किया होगा। तो ट्विस्टिंग के कारण कौन सा होगा, सियर स्ट्रेस जनरेट होगा। तो अगर मैं बात करूं टाउ वन, टाउ की अगर बात करूं, पहले मेंबर की अगर मैं बात कर रहा हूं, टाउ वन इज इक्वल टू कितना होता है, 16T/π d³। अगर आप लोगों ने कॉलेज लेवल पे देखा होगा, T/j इज इक्वल टू T/r इज इक्वल टू G θ/L। शाफ्ट में ट्विस्टिंग सर्कुलर मेंबर है, सर्कुलर मेंबर का जे कितना होता है, जे इज इक्वल टू π d² / 32, एंड J/r, r इज इक्वल टू D/2, देन दिस इज π d³। फ्रॉम हियर दिस इक्वेशन T/j इज इक्वल टू T/r। फ्रॉम हेयर द टाउ वन, टाउ इज इक्वल टू T/r/j, T/r/T/d/2 इंटू इसका कितना हो जाएगा, 32/π d³। 2 से 16 टाइम में कैंसिल आउट, डी से 1D कैंसिल आउट, दिस इज टाउ इज इक्वल टू 16T/π d³।
यहां से ये इक्वेशन आता है, जो कि सारी चीजें हम आगे देखेंगे, बस मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को थोड़ा एनालाइज करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा एलाबोरेट कर रहा हूँ। ओके, तो हमने कंडीशन चेंज कर दिया, एक्सियल की जगह हमने ट्विस्टिंग ले लिया, तो टाउन कितना जनरेट हो रहा है, सियर स्ट्रेस कितनी जनरेट हो रही है, टाउन इज सियर स्ट्रेस इन मेंबर वन, इन मेंबर वन। ओके, 16t अपन पाई डी क्यूब। वैसे ही अगर टाउ टू की मैं बात करूं, टाउ टू इज इक्वल टू 16 इंटू 2t, t की जगह कितना हो जाएगा 2t अपन पाई पाई इंटू 2d क्यूब, 2d क्यूब हो जाएगा। इट मींस बिकॉज कि हम डायमेंशंस को भी डबल कर रहे हैं और लोडिंग कंडीशन को भी डबल कर रहे हैं, देन टाउ टू इज इक्वल टू, आप यहां से 2 2 4 8 8 4 4t अपन पाई डी क्यूब, ये चीज हो जाएगा 40 अपन पाई डी क्यूब। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 16t अपन पाई डी क्यूब 1/4 लिख सकते हैं, कैंसिल आउट करने के लिए। अगर आप देखो तो टाउ इंड्यूस्ड इज लेस देन इक्वल टू फेलियर स्ट्रेस अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर सेम मटेरियल, फॉर गिवन मटेरियल एंड लोडिंग लोडिंग पार्डन नॉट लोडिंग टाइप ऑफ लोड टाइप ऑफ लोड इज सेम, देन टाउ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, टाउ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। देन अब नेक्स्ट देखो, तो टाउ वन अपन टाउ टू, लिटिल बिट, टाउ इंड्यूस्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, देन टाउ इंड्यूस्ड वन टाउ इंड्यूस्ड इन वन अपन टाउ इंड्यूस्ड इन टू इज इक्वल टू एन टू अपन एन। हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या माना है, ओरिजिनल इज एन टू, एंड जो अपना सेकंड कंडीशन में कितना लिया है, एंड ओरिजिनल इज एन एंड सेकंड कंडीशन में हमने क्या लिया है, एन टू। तो यहां पर अगर टाउ इंड्यूस्ड इन वन की बात करें तो कितना है, 16t अपन पाई डी क्यूब, टाउ टू कितना है 1/4 इंटू 16t अपन पाई डी क्यूब, ओके इज इक्वल टू एन टू ओवर एन, पाई 16t अपन पाई डी क्यूब कैंसिल, देन दिस इज 4 इज इक्वल टू एन टू अपन एन, देन एन टू इज इक्वल टू 4n, दिस इज द आंसर। तो आपके ऑप्शन में दोनों आंसर है, अगर कंडीशंस को केवल चेंज हमने किया, थोड़ा सा कंडीशन को बस चेंज किया, तो उसमें अपनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का रिलेशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इट मीन्स कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि डायरेक्टली, मतलब कि जिस रेशियो में डायमेंशन इंक्रीज हो रहा है उसी रेशियो में आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज होगी, या जिस रेशियो में आपका डायमेंशन डिक्रीज हो रहा है उसी रेशियो में आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिक्रीज होगी, ये नहीं कह सकते हैं आप। इट डिपेंड अपन डायमेंशन एज वेल एज लोडिंग कंडीशन, तो लोडिंग कंडीशन कैसा होगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना डिफर करेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर क्या इफेक्ट आएगा, ये चीजें हमने देखा। जब हमने देखा एक्सियल लोडिंग कंडीशन थी तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डायरेक्टली डबल हो गई, लेकिन वही ट्विस्टिंग के कंडीशन में हमने डायमेंशंस और लोडिंग कंडीशन को डबल किया, कंडीशन वही रखा, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गई, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। ओके,